हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि मुसलमान मोदी को मजबूरी में पसंद करें, बल्कि वो चाहते हैं कि अच्छे मन से याद करें, खुशी से पसंद करें। देखिए, मुसलमान भी ये चाहता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अच्छे मन से याद करें। वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन उनका आचरण कुछ इस तरह का है जो आपने देखा, कभी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले बता देते हैं, कभी घुसपैठियाँ बता देते हैं, कभी कहते हैं कुत्ते का पिल्ला भी अगर उसके नीचे आ जाए मेरी गाड़ी के तो मुझे अफसोस होता है। उसके अलावा जो आचरण है इस सरकार का, जो इस तरह से हालात पैदा हुए, जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट में कानून पास हुए जिससे मुसलमानों की दिलाज़ारी हुई, और किसी को हिजाब पे, किसी को नमाज पे, किसी को अजान पे, किसी को मस्जिद पे, किसी को मदरसे पे, ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मोदी जी को उस पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, सख्ती करनी चाहिए थी। लेकिन मोदी जी ने अपने ज़्यादा बच्चों वाले बयान पे सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के ही होते हैं, उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चे तो सभी वर्गों में होते हैं, जहाँ भी गरीबी है, शिक्षा है, वहाँ पर होते हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं कहा था, उनके बयान को गलत पेश किया गया। अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें, वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब के उस बयान पर बोल रहे थे, और ये कहा था कि मनमोहन सिंह साहब ने ये बात कही थी कि देश के रिसोर्स के ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बातें भी कहीं। अब वो बात कुछ भी कह दें, प्राइम मिनिस्टर हैं आप, कुछ भी कह दें, आप मीडिया में हैं। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि मजबूरी में नहीं बल्कि अच्छे मन से उनको पसंद करें मुसलमान देश के, तो क्या लगता है आपको, पिछले 10 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा है, मुसलमान उससे खुश हैं, नहीं हैं? देखिए, नफ़रतें बढ़ गई हैं, हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले बढ़ गए हैं, तो सारा श्रेय तो कैप्टन को ही जाता है। अगर टीम ख़राब खेलती है तो कैप्टन तो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री तो वो हैं। ये सांप्रदायिक माहौल इससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर भी तो होके चले गए। हम तो चाहते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है अपने प्राइम मिनिस्टर को मोहब्बत करे, प्यार दे, लेकिन उसके एवज में चाहता है कि कम से कम उनकी तरफ से भी हमें प्यार मिले। योगी जी का बयान सुना आपने, उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं होती है और जो शोर शराबा है वो भी नहीं होता है, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक नमाज को तो उन्होंने पकड़ लिया, जो सिर्फ 2 घंटे के लिए रास्ते बंद होते हैं, वो भी ईद की नमाज होती है, उसको बंद कर दिया। लेकिन और किन किन कार्यक्रमों के अंदर जो सड़कें बंद होती हैं उस पर क्यों नहीं बोलते? महीना भर के लिए हाईवेज बंद कर दिए जाते हैं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, तो उस पर क्यों नहीं बोलते? सिर्फ नमाज, अरे अल्लाह की इबादत है, हमें एतराज़ नहीं है कि अगर कांवड़ वालों के लिए आपने रास्ता बंद किया है तो हमें एतराज़ नहीं है, अगर कोई जागरण हो रहा है और सड़क बंद है तो हमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो भी अपने पैदा करने वाले की इबादत हो रही है, नमाज भी अपने पैदा करने वाले की इबादत हो रही है। तो उनको अल्लाह और ईश्वर को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, ये एक ही चीज़ है। ये अल्लाह और ईश्वर ने ही हम सबको पैदा किया, हम सबका पालन हार। क्या आपको लगता है कि ये फ़र्क है देश में मुसलमानों के मन में मोदी जी को लेकर के, मतलब कि वो मजबूरी में तारीफ़ करते हैं, मजबूरी में उन्हें पसंद करते हैं प्रधानमंत्री को, खुशी मन से कोई नहीं करता है? यकीनी तौर पर कोई मुसलमान खुशी मन से क्यों करेगा? आपने देखा नहीं कि जो हालात मैंने गिनाए, नपुर शर्मा को एक दिन की जेल क्यों नहीं हुई भाई? तमाम दुनिया में एहतजाज हो गया, लोग सड़कों पर निकल गया, आगजनी हो गई, एक आदमी मारा गया, उसके बाद भी उसे 2 घंटे जेल नहीं भेजा गया, किसका हाथ था उसके ऊपर? उस पर अगर प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करते तो आपको लगता है कि देश के मुसलमान खुश होते हैं? यकीनी तौर पर हर गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए तो हम खुश होते। हम कब कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू भाइयों को बुरा भला कहता है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्या? उसे ही मिले, तभी तो देश का ताना बाना बिखरने से बचेगा, हमारी तहजीब बचेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री अगर अच्छे मन से मुसलमानों का साथ दें, मुसलमानों के लिए काम करें, उनके लिए जो जिस तरह से नुपुर शर्मा वाला मामला था, अगर उस मामले में कार्रवाई प्रधानमंत्री की तरफ से हुई होती तो देश के मुसलमान उन्हें अच्छे मन से
पसंद करते हैं।